एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा क्लब फैक्ट्री हॉल। सो जब मैं क्लब फैक्ट्री हॉल शेयर करती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती हूँ, क्योंकि क्लब फैक्ट्री हॉल आपको बहुत ज्यादा पसंद आते हैं इसलिए। सो इस हॉल में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कुछ क्लॉथिंग आइटम्स, कुछ रैंडम स्टफ्स। आई थिंक आपको ये हॉल पसंद आएगा। सो क्लब फैक्ट्री से मैं एक साथ शॉपिंग नहीं करती हूँ। मैं पहले ऐसी शॉपिंग करती थी, लाइक एक साथ यू नो 2000 की 3000 की शॉपिंग करती थी, क्योंकि मुझे तब बचाने होते थे मेरे शिपिंग चार्जेस, क्योंकि उस टाइम लगते थे नो 200 से लेके 190 रुपीज आपके शिपिंग चार्जेस लगते थे। सो एक अमाउंट के बाद ही आपकी शिपिंग फ्री होती थी, तो इसलिए मैं एक साथ शॉपिंग करती थी। बट अब क्लब फैक्ट्री काफी चेंज हो गया है, यस काफी ज्यादा ही हो गया, लाइक उसके जो फेयर प्राइजेस थे वो फेयर भी नहीं रहे, काफी यू नो प्राइजेस बढ़ चुके हैं। बट साथ में वो आपको अब कैश ऑन डिलीवरी प्रोवाइड करता है एंड फ्री शिपिंग भी। तो जब भी जो चीज मुझे अच्छी लगती है, लाइक विशलिस्ट में होती है और मुझे लगता है कि मुझे ले लेनी चाहिए, तो मैं वो ऑर्डर प्लेस करती हूँ और साथ में फ्री शिपिंग होती है, तो यू नो आपकी शिपिंग बच जाती है, तो यार सोने पे सुहागा हो जाता है। सो इसलिए मैंने जो भी प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो मैंने एक साथ ही लिए, कुछ टाइम पीरियड में यू नो गैप दे के लिए हैं। कुछ तो 2 महीने पुराने भी हैं जो आई थिंक आपने देखे होंगे, लाइक ये टी शर्ट आपने काफी टाइम देखी होगी मुझे पहने हुए, जो मैंने अगेन क्लब फैक्ट्री से लिए, आई थिंक ये दो ढाई पाव लाइक 2.5 मंथ से पहले ले चुकी हूँ मैं इसको, और मैंने काफी टाइम पहले पहना भी ऐसे, तो कुछ इस तरीके हैं। सो नाउ हम अब शेयर करेंगे अपना हॉल कि मैंने क्या क्या लिया है, लाइक मैंने बहुत ज्यादा ब्लर आते कर लिए। ओके लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी, मैंने 2 ब्रालेट ली थी क्लब फैक्ट्री से, जो कि मुझे चाहिए थी बट एमेजोन पे बहुत ज्यादा महंगी थी, सो इस वजह से क्लब फैक्ट्री पे आई थिंक अभी भी कुछ प्रोडक्ट्स के जो प्राइजेस हैं वो काफी अच्छे हैं, काफी चीपर प्राइजेस हैं, सो दैट्स व्हाई। सो दिस इज अ ब्रालेट, मैंने इसको सेम ब्रालेट 2 कलर में ली है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर में। सो ये लेस डिजाइन के स्ट्रैप्स के साथ हैं और ये बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रालेट है, एज यू कैन सी। सो ब्रालेट काफी अच्छी होती है अगर आप यू नो कोई शेयर टॉप पहन रहे हो, बट आप चाहते हो कि यू नो आप जो इनर पहन रहे हो वो भी बहुत स्टाइलिश लगे, तो इस तरीके की आप ब्रालेट ले सकते हो। साथ में अगर आप कोई बहुत डीप नेक पहन रहे हो तो भी आप ले सकते हो, और ये बहुत ही प्यारा लगता है। तो मैंने इसे वेयर किया हुआ अपने एक शर्ट के साथ जिसका बहुत डीप नेक था, मैं साथ में वो ऑफ शोल्डर भी थी आई थिंक सो। सो या बट अगर आपकी बहुत ज्यादा हैवी बर्स्ट है, सो आई थिंक कि आपको इसके यू नो अंदर आपको ब्रालेट पहनने की आपको ब्रा पहनने की जरूरत है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है, ना ही इनमें कोई कप्स हैं, तो ये आपके ब्रेस्ट को सपोर्ट करेंगी। सो मेक श्योर आप थोड़ी यू नो हैवी ब्रेस्ट के हो तो आप अंदर ब्रा पहनो। सो ये 2 हैं। एंड फैब्रिक की अगर मैं बात करूं, सो क्लब फैक्ट्री से ये बहुत ही अच्छे प्राइजेस थे, लाइक 148 रुपीज में। स्क्रीन पे सारे प्राइजेस एंड रियल इमेजेस मैं आपको पोस्ट कर दूंगी, तो आप देख सकते हो। सो ये मुझे अराउंड 148 रुपीज की मिली थी। पहले मैंने ब्लैक ऑर्डर किया था, देन आई थिंक मुझे व्हाइट की जरूरत थी तो मैंने व्हाइट ऑर्डर किया अलग अलग, एंड 140 और 150 के अराउंड मुझे 2 ब्रालेट्स अलग अलग प्राइजेस में मिली है। सो फैब्रिक इज टू गुड, बहुत ही कंफर्टेबल है और बहुत ही कम स्पेस में आ जाती है। ओके नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया है एक शर्ट। सो मैंने कुछ कपड़े एक साथ ही ऑर्डर किए थे, सो जिसमें ये टी शर्ट ये शर्ट थी। सो ये एक यू नो ब्यूटिफुल कलर, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट कलर आई कैन से, दिस इज सच अ ब्यूटिफुल लाइलैक और अ लेवेंडर कलर। ये स्क्रीन पे और डार्क दिख रहा है बट इतना डार्क नहीं है। स्पेशली मैंने इसे ऑर्डर किया था जस्ट बिकॉज ऑफ द स्लीव्स, बिकॉज इसके अंदर यू नो आपको इस तरीके के यू नो कट मिल जाते हैं जो कि काफी स्टाइलिश बनाता है, एंड इट हैज यू नो ये बटन जो व्हाइट कलर का है, एंड बैक पे भी आपको क्लोजर के लिए कुछ इस तरीके का इसका बैक है, एंड ये राउंड नेक के साथ है। फैब्रिक की बात करें तो फैब्रिक अच्छा है इसका, फॉर द प्राइस रेंज आई थिंक 270 और 280 रुपीज की थी, प्राइस रेंज के अकॉर्डिंगली फैब्रिक अच्छा है, बट इसकी फिनिश बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लाइक यू नो जो थ्रेड्स हैं वो क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, फिनिश इतनी अच्छी नहीं लगी मुझे, बट इट लुक्स स्टनिंग गाइस, लाइक सीरियसली आई लव द कलर, आई लव यू नो डिजाइन, दैट्स व्हाई मैंने इसे लिया था। बट अगर फिनिश की मैं बात करूं तो उसके लिए मैं बहुत ज्यादा यू नो खुश नहीं हुई थी, बट या ओवरऑल फॉर द प्राइस रेंज आई थिंक इट्स अ रियल गुड बाय। नेक्स्ट है अगेन वो एक शर्ट ली है मैंने, और वो कुछ इस तरीके की है, और ये डार्क ग्रीन कलर की यू नो शर्ट है। आई डोंट नो ये कैमरे पे इतनी डार्क क्यों दिख रही है, स्क्रीन पे बहुत ज्यादा डार्क कलर लग रहा है, बट सब ग्रीन मेहंदी ग्रीन कलर, लाइक जब आप मेहंदी घोलते हो या फिर जो मेहंदी का कलर होता है,
लाइक घुली हुई मेहंदी का जो कलर होता है वो इस तरीके का कलर है. एंड ये कलर भी बहुत प्यारा है क्योंकि मेरे पास इस तरीके का यू नो डार्क ग्रीन मेहंदी ग्रीन कलर का कोई भी ड्रेस नहीं है. एंड इट्स अ टेक्सचर्ड शर्ट, लाइक ऑल ओवर आप देख सकते हो कि काफी ब्यूटीफुल टेक्सचर्ड है ये, और ये फुल स्लीव के साथ है. एंड सबसे अच्छी चीज जो इसके कॉलर पे आपको यू नो इस तरीके का बो बनाने के लिए या फिर रिबन आप कह सकते हो वो प्रोवाइड किया गया है, फुल स्लीव की है. फैब्रिक की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही अच्छी फैब्रिक की है, बहुत शेयर है आपको इसके अंदर यू नो ब्रालेट या फिर स्पेगडी पहनी होगी, बट ओवरऑल फैब्रिक इसका आउटस्टैंडिंग है. एंड द प्राइस रेंज मुझे ये जस्ट 173 रुपीज और 180 रुपीज की मिल गई थी शर्ट. सो मैंने सिर्फ ये सिंगल शर्ट उस टाइम ऑर्डर कर दी थी क्योंकि ये प्राइस इसका बहुत ज्यादा कम था सो इसलिए. बट नेक्स्ट डे जब मैंने इसकी यू नो प्राइस देगा तो अगेन ये 750 और 700 रुपीज की हो गई थी, बट मुझे ये 170 रुपीज की मिल गई थी. सो आई एम सो हैप्पी. सो दिस इज माई नेक्स्ट पिक था जो मैंने लिया था. ओके नेक्स्ट जो मैंने यू नो क्लब फैक्ट्री से लिया था वो एक टी शर्ट है. दिस इज अ बेसिक प्लेन टी शर्ट, इस पे प्रिंट्स हैं, आउल प्रिंट्स हो रखे हैं, बहुत ही क्यूट टी शर्ट है. मैंने इसमें आई थिंक पहले भी एक टी शर्ट ली थी, दैट्स वाई मैंने दूसरी टी शर्ट ली क्योंकि उसका फैब्रिक बहुत अच्छा था. मैं अभी उसे यू नो नाइट टाइम पे वेयर करती हूँ. बहुत कंफर्टेबल है ये फैब्रिक, इसका बहुत अच्छा है, लूज है. और अगर यू नो आप बहुत लूज टी शर्ट पहनना पसंद करते हो तो आप इस तरीके की टी शर्ट वेयर कर सकते हो. इसमें कलर भी ब्लू है, लाइक इसमें भी जो आपको ये पिंक की ज्यादा पिंक कलर जो आवाज दिख रहे हैं उसमें ब्लू एंड रेड इस तरह के कुछ था. बट ओवरऑल आई थिंक ये 200 रुपीज और 180 रुपीज की टी शर्ट आपको मिल जाती है. आई थिंक बहुत ही अच्छी टी शर्ट है, आपको डेफिनेटली क्लब फैक्ट्री से ट्राई करनी चाहिए. एंड अब आपको तो फ्री शिपिंग मिल रहा है, सो अगर आप कुछ ट्राई करना चाहते हो तो आप यू नो डेफिनेटली कोई एक चीज ट्राई करके देख लो कि आपको कैसे मिल रही है, सो जिससे आप सेटिस्फाई हो जाओ एंड आगे शॉपिंग कर सको. सो या नेक्स्ट जो है वो मुझे कल ही डिलीवर हुआ है और ये मैंने रिसेंटली में ऑर्डर किया है. सो ये एक यू नो ब्लाउज है, वहां पे तो इसे टॉप कह रहे थे आई थिंक टॉप और ब्लाउज, बट ये फॉर मी मैंने इसे ब्लाउज के लिए ऑर्डर किया है. सो इट्स अ सीक्वेंस ब्लैक सीक्वेंस ब्लाउज एंड इट्स वेरी ब्लिंगी लाइक अ डिस्को डिस्को एज यू कैन सी. सो मैंने बेसिकली इसको ऑर्डर किया है मेरी ब्लैक साड़ी के लिए या फिर अगर मैं कोई लहंगा पहनती हूँ, लाइक मैं इसे काफी तरीके से स्टाइल कर सकती हूँ. इवन मैं इसे नाइट पार्टीज के लिए भी स्टाइल कर सकती हूँ एज अ क्रॉप टॉप. सो इसका भी फैब्रिक बहुत अच्छा है, बट फॉर द प्राइस रेंज आई थिंक मैं इतना डिजर्व करती हूँ क्योंकि मैंने इस पे अराउंड 550 रुपीज और 500 रुपीज मैंने ये क्लब फैक्ट्री से ऑर्डर किया है. ये ऑल ओवर काफी ब्यूटीफुल है एंड इसकी फिटिंग मुझे लिटिल लूज है, स्पेशली यू नो मेरे वेस्ट लाइन से, बिकॉज उसके अकॉर्डिंगली ये थोड़ा सा हैवी वेस्ट लाइन के लिए था. बट मैं इसे यू नो ऑल्टर कर लूंगी, एक साइड से किया है दूसरी साइड से मैंने किया नहीं है क्योंकि सीक्वेंस है तो इसकी सिलाई चलाना है, इट्स नॉट वेरी इजी. तो आई थिंक मुझे ऑल्टर कराने के लिए किसी यू नो टेलर को ही देना होगा. बट इट्स ब्यूटिफुल, लाइक इट्स ब्यूटिफुल. इसमें गोल्डन कलर और सिल्वर कलर और रेड कलर और ब्लैक कलर, तो आई थिंक मैं इसमें गोल्डन कलर भी ऑर्डर करूंगी जो कि आई थिंक मेरे किसी भी साड़ी के साथ बहुत अच्छा मैच होगा. सो अगर आप अपनी ब्लैक साड़ी के लिए कोई ब्लाउज चाहते हो तो आई थिंक आपको ये लेना चाहिए. लाइक सिली से लाया आपको ब्लाउज मिल रहा है यार, और क्या चाहिए 500 रुपीज में. ओके सो ये मैंने क्लॉथिंग आइटम्स लिए थे. नेक्स्ट जो मैंने रैंडम स्टॉक लिए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. तो जो मैंने वहां से सबसे पहले देखा था एंड मैं काफी टाइम से लेना चाहती थी बट उसका प्राइस इंक्रीज हो गया था, सो वो था ये इलेक्ट्रिक यू नो व्हाट आईलैश कर्लर. यस सो इलेक्ट्रिक आईलैश कर्लर, बट मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा यार अभी तक लाइक इलेक्ट्रिक. आई हैव आईलैश कर्लर जो कि यू नो इस तरीके के नॉर्मल आते हैं, बट दिस इज अ इलेक्ट्रिक वन. सो इसको आपको यू नो इस तरीके से ऑन ऑफ करना है एंड आई थिंक मेरी इसके अंदर बैटरी है सो जो कि अभी खराब हो गई है बैटरी. सो आप यहाँ पे बैटरी आपको लगानी है देन आपको ऑन करना है एंड आपको इस तरीके से यू नो ये ऑन हो जाएगा, एक वॉइस आएगी एंड देन अपनी लैशेस को इसके अंदर डालने के बाद यहां से आपको इसे ऊपर करना है, यहां से ऐसे करके ऊपर करना है एंड इसके अंदर से एक हीट निकलती है जो कि इलेक्ट्रिक है, बट उससे आपके आईलैशेस को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. मैंने ट्राई किया है, दैट्स व्हाई मैं ऐसा कह सकती हूँ. और इसकी जो हीट होती है वो एक यू नो एक सर्टेन अमाउंट की हीट होती है जो कि सिर्फ आपके आईलैशेस को कर्ल करेगी नेचुरली एंड देन आप उसे रिलीज कर दो एंड आपकी ऑटोमेटिकली लैशेस काफी अच्छे से कर्ल हो जाएंगी. सो ये काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट था जो मैं चाहती थी. सो मैं अपनी नेक्स्ट किसी ट्यूटोरियल में आपको यूज करके दिखा दूंगी क्योंकि मुझे इसमें नई बैटरीज डालनी पड़ेंगी. सो या जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि आप कैसे यूज कर सकते हो और ये सेफ है या नहीं, बट इट्स वेरी सेफ. ओके नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिए हैं एक हेयर एक्सटेंशन एंड
लाइक मैं अदर क्लब फैक्ट्री हॉल्स देखती हूँ क्योंकि मुझे भी क्लब फैक्ट्री हॉल्स देखना बहुत अच्छा लगता है एंड समटाइम्स जब मुझे उसका रिव्यू अच्छा मिल जाता है क्योंकि सब लोग रिव्यू कर देते हैं लाइक जैसे मैं मिनी रिव्यू कर रही हूँ कि वो रिकमेंडेशन दे देती हूँ कि अच्छा ऐप ले सकते हो उसी तरीके से सो मैंने किसी वीडियो में देखा था मुझे श्योर नहीं हूँ किसमें देखा था मैंने हेयर एक्सटेंशन देखे थे ये वाले जो कि आई एम नॉट श्योर किसके में देखा था याद भी नहीं आ रहा मुझे तो उन्होंने इसका हेयर एक्सटेंशन का रिव्यू किया था कि ये काफी अच्छे हैं बट वो स्टेसी आई थिंक सो आई एम नॉट श्योर मैंने उनका देखा था कि उन्होंने ये कलर उन्होंने ब्राउन ऑर्डर किया था बट वो कुछ वे टू मच था तो उन्होंने कलर के लिए थोड़ा बताया था सो मैंने कलर बहुत अच्छे से सिलेक्ट किया एंड गोज परफेक्टली विद माई हेयर लाइक आई हैव यू नो ब्राउन टोन्ड हेयर एंड इट इज ब्यूटिफुल गाइज जस्ट लुक एट दैट दिस हेयर एक्सटेंशन सो मैं अगर यहाँ एक बन बना के इस हेयर एक्सटेंशन को यहाँ पे लगाती हूँ इट विल लुक अमेजिंग आई थिंक मैं इसे बन के साथ कैरी कर सकती हूँ सो मैं किसी अपने हेयर ट्यूटोरियल्स में एंड आई लव लॉन्ग हेयर्स बट आई डोंट हैव सो सैड ओह माय गॉड मेरा लाइफ का पेन यही है और कुछ नहीं है सो आई विल जस्ट लुक एट दैट इट्स ब्यूटिफुल एंड इसके जो हेयर्स हैं वो भी बहुत सॉफ्ट एंड शाइनी हैं सो आई थिंक मैं इसमें और ऑर्डर करूंगी लाइक यू नो काफी सारे लगा के थिक हेयर एक्सटेंशन बहुत ही ब्यूटिफुल लुक देगा एंड पार्टीज वगैरह में भी सो आई रियली लाइक दिस सो इसका प्राइस अराउंड 300 और समथिंग कुछ था सो स्क्रीन पे मैं प्राइस दे दूंगी ओके नेक्स्ट एंड जो लास्ट मैंने क्लब फैक्ट्री से ऑर्डर किया था वो एक हेयर कलर है एंड दिस इज इंटरेस्टिंग लाइक मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा अभी तक सो दैट्स वाई आई थिंक कि मुझे ये ट्राई करना चाहिए एंड मेरे सब्सक्राइबर्स को भी ये बहुत पसंद आएगा अगर ये यूजफुल होता है तो आप इसको यूज कर सकते हो लाइक यूजफुल होता है तो यूज कर सकते हो लाइक मंगवा सकते हो सो इसके ऊपर मैं एक ट्यूटोरियल बनाना जरूर चाहूंगी सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक ये इसी तरीके की शेप में रहेगा एंड इसके साथ आपको इस तरीके का यू नो एक होल्डर और यू नो स्टिक कुछ ऐसी मिल रही है जो आपको ऐसे अटैच करनी है और ये अलग अलग साइजेस में है ऐसा नहीं है कि आपको एक साइज मिल रहे हैं डिफरेंट साइजेस मिल रहे हैं कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं जैसे आपके हेयर्स हैं उस तरीके से सो बेसिकली आपको करना क्या है आपको ये यहाँ पे दोनों साइड आपको होल्स मिल रहे हैं सो आपको ऐसे अपने यू नो स्टिक से आपको अपने बाल फंसाने हैं जितना आपको बाल लेने हैं ऐसे करके आप फंसा लो ओके वेट सो मैं आपको बता देती हूँ सो आपको ऐसे करना है एंड देन आपको अपने हेयर्स को इनके अंदर पास करना है लाइक बाल रह गए एंड इस तरीके से आपको लीव कर देना है लाइक यू नो थोड़े से देर टाइम के लिए अगर आपके बाल गीले हैं देन आप ब्लो ड्राई कर लो सो उससे आपके जो कर्ल्स होंगे वो कुछ इसी तरीके के शेप में आएंगे सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सो आई थिंक ये 20 के सेट्स था और इसमें काफी सारे हेयर कलर हैं और मेरे हेयर्स वैसे ही थिन है तो आई थिंक मेरे हेयर्स के लिए तो ये परफेक्ट होगा सो मैं इसको आप लोगों के साथ जल्दी एक ट्यूटोरियल में शेयर करूंगी कि आप इसे कैसे अपने हेयर्स को कर्ल कर सकते हो विदाउट हीट सो इसलिए मैंने इसको लिया ये अराउंड मुझे 200 और 250 रुपीज के मिल गए थे आई थिंक अगेन बहुत ही अफोर्डेबल है क्योंकि जितने आपको इसके अंदर कलर्स मिल रहे हैं यू नो कलर्स नहीं कर्लर्स मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली सो ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने लिए हैं मेरे क्लब फैक्ट्री से यू नो एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल इट मीन्स अलॉट टू मी और मैं ट्राई करूंगी कि मुझे जितने भी लिंक्स मिले मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूं और आप यूज कर सकते हो मेरा रेफरल कोड जो कि आपको स्क्रीन पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो अगर आप मेरा कोड रेफरल कोड यूज करोगे तो आपको मिलेंगे अच्छे खासे डिस्काउंट्स ओके सो आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे सोशल मीडिया पे उसके लिंक्स भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय टेक केयर स्टे ब्लेस्ड